विगत दिनों से अमरावती के मनपायुक्त प्रवीण आष्टीकर पर विधायक रवि राणा के समर्थकों द्वारा स्याहे फेंकने के बाद राणा समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया गया था और इस मामले में विधायक रवि राणा पर मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद अनेक दिनों तक रवि राणा सामने नहीं आए। शनिवार को राणा को अमरावती की अदालत ने अग्रिम जमानत दे दी, जिसके बाद आज रवि राणा मुंबई में विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होने पहुंचे। राणा ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने उनके खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश दिए थे। आइए देखते हैं क्या कुछ कहना है विधायक रवि राणा का। जब अधिवेशन चल रहा है, अधिवेशन चलते टाइम 307 जैसा गंभीर गुना मुझ पर दाखिल होता है, 353 दाखिल होता है जब मैं दिल्ली में था, और यहाँ पे गृह मंत्री और मुख्यमंत्री अगर आदेश देते हैं आमदार रवि राणा पे गुना दाखिल करो, और मेरे घर पे 100-150 पुलिस रात को 3 बजे जाती है, मेरे बुजुर्ग माता पिताओं को उठाती है नींद में से, खासदार नवनीत राणा को डिटेन करती है, और मैं आज न्यायालय पे मेरा विश्वास है, न्यायालय ने मुझे बेल दी है, बेल लेके मैं आज यहाँ पर आया हूँ। और मुझे लगता है जिस विधिमंडल का मैं सदस्य हूँ, उस सदस्य के ऊपर अगर अन्याय हो रहा है, उनको फंसाया जा रहा है, तो मैं लोगों को न्याय कैसा दूँ? तो पहले मेरी बात सदस्य सुनना चाहिए सभागृह के अंदर, और उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, ये मेरी मांग मैंने विधानसभा अध्यक्षों की है।